अब हमारी लेक्चर सीरीज में वो हम आ रहे हैं कम्युनिकेशन पे। इसके पहले हमने पढ़ा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, और आज हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे ये नेगेटिव एग्जामिनेशन हो या किसी और यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हो, यदि कम्युनिकेशन के ऊपर टॉपिक आ रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आएगा, व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। एंड आई एम वेरी श्योर दैट नेगेटिव स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट बीटेक फर्स्ट ईयर आर डेफिनेटली गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर दैट व्हाट इज मॉड्यूलेशन, सॉरी एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। फाइन, तो मॉड्यूलेशन क्या है दोस्तों? दो सिग्नल होते हैं, एक होता है कैरियर सिग्नल, एक होता है मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल के तीन नाम है, उसका नाम मैसेज सिग्नल भी है, उसका नाम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी है, और उसका नाम बेस बैंड सिग्नल भी है। तीनों उसी के नाम है, और एक होता है हमारा कैरियर सिग्नल। तो ये मैसेज सिग्नल, देखिए मॉड्यूलेशन की सिंपल परिभाषा ये है कि कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टीज में बदलाव करना। प्रॉपर्टी का मतलब क्या? किसी भी सिग्नल की प्रॉपर्टी तीन ही होती है, या तो उसका एम्पलीट्यूड, या उसकी फ्रीक्वेंसी, या उसका फेज। फाइन, तो कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टीज में बदलाव करना विद इन अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, यानी कि चेंज मॉड्यूलेशन ऑफ प्रोसेस इन विच सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिग्नल कॉल्ड कैरियर आर वेरिड इन अकॉर्डिंग विद द मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यही यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ अ सिग्नल कॉल्ड कैरियर इज वेरिड अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है मॉड्यूलेशन। अगर मैं बोलूं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, तो आप बोलेंगे the process in which the amplitude of a carrier is varied according to the message signal, this is known as your amplitude modulation. यदि frequency modulation बोलूं तो frequency of carrier is varied according to the message signal, तो frequency modulation। यदि phase modulation बोलूं तो phase of carrier signal is varied according to the message signal, तो वो हो जाएगा आपका phase modulation। Fine दोस्तों, इसके बाद examination में पूछा जाता है कि what is the need of modulation, modulation की क्या जरूरत है। बहुत साफ शब्दों में आज ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि modulation की क्या जरूरत है। सबसे पहला, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीना। एंटीना की प्रैक्टिकल हाइट तभी अचीव की जा सकती है जब मॉड्यूलेशन किया जाए। अभी आपके सामने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया जाएगा इस बात को कि प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीना जो है वो तभी संभव है जब मॉड्यूलेशन किया जाए। दूसरा एडवांटेज दोस्तों, ये रेंज ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ा देता है। यदि मैं यहां से चिल्लाऊं तो मेरी आवाज बहुत से बहुत कुछ मीटर जाएगी, या बहुत ज्यादा 50-60 मीटर तक जा पाएगी बस। लेकिन यदि मुझे अपनी बहुत लंबी रेंज में कम्युनिकेशन करना है तो मुझे मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ेगी। इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। इंप्रूव्स द क्वालिटी यानी इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटी है, जो सिग्नल की क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन है वो बहुत बढ़िया हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है मॉड्यूलेशन की मदद से। मॉड्यूलेशन की मदद से मल्टीप्लेक्सिंग करना आसान होता है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है दोस्तों? द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ सेवरल मैसेज सिग्नल्स ओवर अ सिंगल चैनल इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। यानी कि कई सारे मैसेज सिग्नल्स को एक ही चैनल के ऊपर मॉड्यूलेट करके भेजना, यह संभव होता है। किसके साथ? मल्टीप्लेक्सिंग के साथ। और यह कैसे संभव होता है? मॉड्यूलेशन के साथ। ठीक है, और लास्ट फ्रेंड्स, इट अवॉइड्स द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। मॉड्यूलेशन यदि आपने किया है तो सिग्नल की मिक्सिंग जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, यदि आपके पास लॉन्ग आंसर टाइम में भी आता है, आप मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद ये सारे पॉइंट लिखिए और किसी एक पॉइंट को इलैबोरेट कर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं करने वाला हूं, मैं जो इलैबोरेट कर रहा हूं वो पॉइंट है मेरा प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीना। प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीना को मैं जो क्या करने वाला हूं, मैं प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीना को आई एम गोइंग टू यू नो I'm going to explain it to you. Practicability of antenna. Let's see friends. यहाँ पर क्या है हमारे पास? हमारे पास है practicability of antenna में प्रूव करनी है। देखते हैं कैसे होगी। दोस्तों, antenna की height calculate करके दिखा रहे हैं आपको। एक without modulation और एक with modulation। ठीक फ्रेंड्स, दोस्तों ये कहा जाता है कि एंटीना की जो हाइट होती है वो लगभग लैम्डा बाय 4 के ऑर्डर की होती है। यानी कि वेवलेंथ को यदि 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो एंटीना की इफेक्टिव हाइट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंटीना की हाइट सॉरी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, विदाउट मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने अज्यूम किया विदाउट मॉड्यूलेशन 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, हमने अज्यूम करी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 300 हर्ट्ज है। दोस्तों फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसकी मदद से जो लैम्डा आप कैलकुलेट करिए 3 × 10⁸ अपॉन 300। फ्रेंड्स कितना आया? ये आया आपका 3 से 3 कट गया, 10⁸ सॉरी कितना आया 10⁶। फाइन, 10⁶ यानी h इज इक्वल्स टू 10 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी हाउ मच 2.5 ×
10^5 meters. दोस्तों 2.5 × 10^5 मीटर, क्या इतना बड़ा एंटीना बनाना संभव है? क्या आप प्रैक्टिकली इतना बड़ा एंटीना बना सकते हैं? यदि आप प्रैक्टिकली इतना बड़ा एंटीना बना सकते हैं तो आप बिना मॉड्यूलेशन के भेज दीजिए। कितना किलोमीटर लंबा एंटीना, दो शहरों के बीच की जितनी दूरी होती है उतना बड़ा एंटीना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा एंटीना बनाना संभव है और कोई ऐसा एंटीना बनाना भी चाहेगा। ठीक, अब मैंने यही काम किया। क्या किया मैंने? प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीना मैं वेरीफाई कर रहा हूं। मैंने इस बार मॉड्यूलेशन करके सिग्नल को भेजा है। मॉड्यूलेशन करके भेजने का मतलब, मैंने इस बार एक सिग्नल को 300 मैंने सिग्नल को 3 MHz के कैरियर में भेजा है। कैरियर मतलब जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कैरियर सिग्नल की बहुत ज्यादा हाई है। 3 MHz में मैंने भेजा है। 3 MHz में भेजने पर मैं लैम्डा को कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैं लैम्डा निकालता हूं। लैम्डा क्या होता है? C/F क्या होता है? 3 × 10^8 / 3 MHz, 3 × 10^6 हो गया। यहाँ पर 3 से 3 कट गया। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है आपके सामने वो कितनी आ रही है दोस्तों? लैम्डा की वैल्यू आ रही है आपकी 10^2 यानी कि 100। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? लैम्डा बाय 4। लैम्डा कितना है? 100 बाय 4 25 मीटर। एक जगह पर एंटीना की हाइट बिना मॉड्यूलेशन की कितनी थी दोस्तों? 2.5 × 10^5 मीटर। और इस जगह पर एंटीना की हाइट विथ मॉड्यूलेशन कितनी आ रही है? 25 मीटर। और 25 मीटर का एंटीना होता है, आपने देखा भी होगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है बनाना, फीजिबल है। यानी कि मॉड्यूलेशन करके प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीना, एंटीना को प्रैक्टिकली यदि बनाना हो तो बिना मॉड्यूलेशन के नहीं बनाया जा सकता। इसको ये भी कहा जा सकता है कि मॉड्यूलेशन की मदद से रिडक्शन इन द साइज ऑफ एंटीना, मैंने एंटीना के साइज को क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है। फाइन। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, मॉड्यूलेशन और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। तो बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू ओवर देयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।